हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है भाई, तो हमारे पूरी यूट्यूब फैमिली को हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ही आप लोगों को दिख रहा हूँ, महक कहाँ गई? तो भाई, महक हो रही है पीछे रेडी, क्योंकि आज जो महक का लुक होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि महक ने डिसाइड किया है कि 9 दिन नवरात्रि की जो होने वाले हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करूँगी मैं। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, बेशक। तो अभी यहाँ पर रेडी हो रही है, तो चलो चल के दिखाता हूँ आपको कि उसका लुक आज का कैसा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो चलते हैं अभी। तो गाइस, यहाँ पे देखो भाई, तैयारी हो रही है, ठीक है? यहाँ पे लुक रेडी किया जा रहा है। क्यों? आज तो सर्वर भी धो लिया है, आज तो बिल्कुल अलग ही डिफरेंट लग रहा है। बाल वाल सब कुछ बिल्कुल सिल्की सिल्की। मेरे बाल बहुत क्यों? सिल्की है। हाँ, अब मम्मी का ऑयल वॉयल लगा रही हो तो ऐसा ही होगा। गाइस, मम्मी का ऑयल बन चुका है और लगाने लगे अभी थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे असर होगा। और गाइस, किस किस को मम्मी का ऑयल वाली रेसिपी चाहिए जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है? गाइस, सच में मतलब मम्मी की जो रेसिपी है ना, वो मम्मी के बालों में भी यूज़ हुई तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। और अभी देखो, महक के बालों में भी भाई अप्लाई हो रही है, तो धीरे धीरे महक को भी रिजल्ट मिल रहा है। अभी बाल बहुत झड़ना कम हो गए महक के, सच में। बस क्यों महक, सही है ना? गाइस, आप लोगों को भी अगर मम्मी वाली रेसिपी चाहिए ऑयल वाली, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम लोग उसको भी शेयर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सभी व्यूवर्स के साथ में। चलो देखो, महक यहाँ पे जब तक रेडी होती है गाइस, और इधर मम्मी भाई तैयारी कर रहे हैं। देखो, अभी यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं मेरी रोटी सब्जी, ठीक है? क्योंकि अभी मम्मी आज का आपका लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। हाँ, सच में गाइस, मम्मी आज कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मम्मी ने आज भाई न्यू साड़ी पहनी हुई है, अच्छी लग रही है यार मम्मी। थैंक यू ना। तो गाइस, मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठ गए। आज कितने बजे उठे मम्मी आप? 6 बजे है ना? 5 बजे। मम्मी 5 बजे उठ गए आज, और 5 बजे उठ के बाद 6 बजे नहा धो लिए, सब कुछ कर लिया, और पूरा मतलब जो ये बाहर का जो काम रहता ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बाहर भी एक होटला बना रखा है हम लोगों ने, जहाँ पे भगवान विराजमान है, ठीक है? तो बाहर के होटले की भी साफ सफाई मम्मी को करनी पड़ती, क्योंकि वो मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है भाई, वो वाले भगवान हमारे। क्यों मम्मी, है ना? इसलिए सुबह जल्दी उठ के और पूजा पाठ करके, हाथ धो के पूजा पाठ करके, और उसके बाद में फिर दूसरा काम में लग जाती, इतने में एक दूसरा काम कर ले। तो दोनों का चलता रहता है भाई, कि महक कुछ और कर लेती है, महक मम्मी कुछ और कर लेती है। अभी देवरानी आ जाएगी ना, तो उसके बाद तो फिर तीनों का काम अपने अपने बढ़ जाएंगे। क्यों मम्मी, सही है ना? गाइस, कुछ लोगों के कमेंट थे ना कि सोहन की शादी कब करोगे, तो भाई अभी उस पर भी जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि उधर की तरफ से भी कुछ अपडेट है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के, ठीक है? क्या हो गया भाई? आराम देंगे, क्या बात है भाई। देखो, ये होना चाहिए एक स्पिरिट, ये होना चाहिए एक सोच, एक मम्मी को आराम दिया जाएगा, क्या मम्मी को आराम दिया जाएगा भाई, ठीक है? मम्मी की तो पूजा हो चुकी है भाई, सुबह सुबह मम्मी ने फ्री हो गए, ठीक है? जल्दी, और यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई हमारे माताजी, देख सकते हो। आप लोग भी नवरात्रि पूजा करते होंगे तो ज़रूर माताजी को विराजते होंगे। तो गाइस, एक बार माताजी के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखे आप लोग। और यहाँ पर देखो, हम लोग होम धूप ज़रूर करते हैं भाई, पूरे घर के अंदर धूप जलाते हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी वाइब्स बनी रहे। और सच में जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है ना, तो पूरे घर के अंदर एक पॉजिटिविटी माहौल हो गया है, क्योंकि इतने टाइम से मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, बिल्कुल ये परेशानी वो परेशानी। लेकिन इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ गाइस, ये देखो क्या लुक कर तैयार कर रही है। हाँ हाँ, इधर इधर सबको बताओ ना, सबको दिखना चाहिए। ये देखो, ये दो छोटी हाँ, चलो रेडी हो जाओ अच्छे से। पर गाइस, एक बात तो है, सच में नवरात्रि जब से स्टार्ट होती है ना, तो भाई पॉजिटिविटी पूरा माहौल हो जाता है। और मेरे लिए तो अक्टूबर बहुत हमेशा से एक बात तो है कि अक्टूबर का जो महीना आता है ना, हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अक्टूबर में सारे फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल का आते हैं ना, सबसे ज़्यादा अक्टूबर के अंदर ही आते हैं। मैं पता, फर्स्ट नवरात्रि महक की ससुराल के अंदर होने वाली गाइस, तो आप लोग भी ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि एक मुस्लिम रिलीजन से आने वाली लड़की के लिए हिंदू धर्मों में सब चीज़ें सीखना और सब चीज़ें फॉलो करना आसान नहीं होता है, धीरे धीरे सब चीज़ें सीखती है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हो उसको। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 9 दिन बचे, तो आप आगे आगे देखना। मैंने वही बोला मैं उन सबको,
कि 9 दिन के 9 दिन डिफरेंट होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा, क्यों सही है ना। बस भगवान से एक रब्बा है कि जो लोग फालतू की बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ठीक है, फालतू की नेगेटिविटी ना फैलाएं और अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बस यही कहना है। और सोहन तो गया हुआ है भाई, सोहन के अभी जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन चल रही है अभी, तो अभी कोचिंग वोचिंग जाने लगा है, तो मॉर्निंग में निकल जाता 11 बजे से लेके 2:30 बजे है ना, 2:30 से 3 बज जाती है उसको आने में, तो मतलब 11 से 3 का शेड्यूल इसलिए चल रहा है उसका, इसीलिए उसके ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा फ्री होगा तो आप लोग के साथ में फोन के ब्लॉग्स पे भी ब्लॉग्स डालेगा वो, लेकिन अभी वही चक्कर था कि इतने टाइम से थोड़ा सा परेशानी चल रही थी घर में, और अब परेशानी सॉल्व हो गई, ठीक है। सबको जो जिसको जवाब देना था दे चुके, अब दे कि हम लोग भी थक गए भाई, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, चलो रेडी हो जाओ फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे फाइनली महक रेडी हो चुकी है भाई, और ये रहा महक का फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हो, ये वाली साड़ी पहनी हुई है महक ने, और ये रहा महक का लुक फाइनली। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई कैसा लग रहा है ये वाला महक का लुक। मम्मी ये लो आपकी बहू आ गई है। ये लो बहू लेके आ गए। अच्छा कब के लिए आया मम्मी, ये लो बहू आ गई। नहीं नहीं बहू नहीं, अरे यार मम्मी क्या बात कर दी यार, 3-4 महीने में पुरानी कर दी आपने, तो फिर नई बहू किसको कहते। हाँ यार बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है भाई, मेरा हाथ गीले है, आशीर्वाद हो मेरा, लक्ष्मी बहू है मेरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। दोनों की जोड़ी भाई कैसी है सास बहू की, आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो तो इतना ज़्यादा प्यार भाई, किसी की नज़र ना लगे, किसी काले कलूटे की नज़र ना लगे भाई, प्लीज़ माफ़ करना कोई गलत शब्द का यूज़ कर रहा, कोई ऐसा बुरा मत मानना, ठीक है, बोल दिया ऐसा। हाँ उनके लिए बोला है, ठीक है, आप सब तो बहुत प्यारे हो, आप सब भी बहुत प्यारे लग रहे होंगे, आप सबके भी नज़र उतार। चलो मैं एक फटाफट से आज पूजा कर लूँ भाई, हाँ मम्मी कर दी, मम्मी बता देंगे कैसे करना है पूजा। देखो यहाँ बहुत सारे माता जी बैठे और पॉजिटिविटी वाइब्स चालू हो गई ना, और यहाँ पर भी हमें हमने कलश भी रखा है, होम धूप चला दी भी साफ कर दिया था, वहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर ही साफ करा था, उसके बाद नहाने गई थी, फिर मम्मी सॉरी पहले नहा के मैंने जस्ट मंदिर साफ करा था, जब तक मैं रेडी हो रही थी तो मम्मी ने सारे मतलब कलश वगैरह रख दिया। गाइस हमारा जो मंदिर है ना, कल ही महक जब नहा के आई थी उसी टाइम हो गया था सफाई। जय माता दी, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, और माता जी कृपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, आशीर्वाद से तो सब कुछ सफल है ना। पूजा वगैरह अच्छे से हो गई, होम धूप भी कर दिया था, और मैं नहाने चली गई थी तो मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, साफ सफाई तो मैं करके फिर रेडी होने के लिए गई थी, तो अच्छा सा सब नवरात्रि का दिन आज से स्टार्ट हो चुका है, आज से मतलब माता रानी माँ का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, और मेरी तो ससुराल में फर्स्ट नवरात्रि होने वाली है, तो कैसे क्या सेलिब्रेशन होता है, कैसे क्या सब चीज़ें होती है, अभी तो सिर्फ पहला ही दिन है, तो आने वाले दिन में क्या क्या होता है अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं को तो पता भी नहीं है कि किस तरह से सेलिब्रेट करा जाता है नवरात्रि के फेस्टिवल, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ क्या नवमी पूजा आती है, हमारे यहाँ नवमी पूजते हैं, किसी की अष्टमी होती है, किसी की सप्तमी की पूजा होती है, तो नवमी की पूजा होगी ना, तो महक के लिए तो फर्स्ट बार होगा ये चीजें, तो देखने के लिए बहुत कुछ होगा। नवमी की पूजा मतलब नवमी की पूजा मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे ससुराल में तो नवमी की पूजा होती है, जैसे कोई जैसे इन्होंने बताया उसी तरह से, तो बहुत मज़ा आने वाला है, और आप सभी के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे हैं माता रानी का, और मेरी तरफ से भी आप सभी को एक बार और हैप्पी नवरात्रि, और ऑल ऑफ यू आप बहुत इन्जॉय करना नवरात्रि में, खूब गरबा खेलना,
मैं गरबा खेलूं या अभी नहीं तो, अभी तो बहुत सारी पता नहीं अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। सबसे पहली चीज पता है क्या है, अभी बहुत सारी चीजें इसलिए बाकी है क्योंकि अभी देखो ससुराल में पहली पिछली बार तो कहाँ पे थी, वहीं पे जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वहाँ पे थी, तो वहाँ पे इतना रोक टोक नहीं थी, लेकिन अभी ससुराल में है तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट क्रिटिकल तो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हाँ गरबा तो खेलेंगे यार। गाइस देखो भाई आज तो यहाँ पे न्यू चूड़ा पहना गया है, क्या बात है, अच्छी लग रही है। पहले आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है ना, अब 9 दिन तक अच्छा मतलब श्रृंगार करके रहना है। गाइस ये एक चीज आप लोग डिफरेंट देख रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि नूर, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नूर खत्म हो गया, नूर खत्म हो गया। अरे भाई कहाँ से नूर खत्म हो गया ये तो बताओ, नूर खत्म नहीं होता, नूर आता है। सनातन धर्म की खूबसूरती आप लोगों के सामने दिख रही होगी, देख लो आप लोग अच्छे से। सनातन धर्म की खूबसूरती मुझे मत देखो, लेकिन जो सनातन धर्म में जो खूबसूरती है ना उसको देखो, उसको देखो। बिल्कुल क्या बात है, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले गाइस मैक ने यहाँ पे। तो सच में यही है कि सनातन धर्म की जो खूबसूरती होती है ना वो आप लोग वो साक्षात यहाँ पे दिख रही होगी। और जितने भी जो भी मुझे भी दिल से फीलिंग ऐसी आती है कि यार ये सब चीज़ें जो मैं अभी स्टार्टिंग है मेरा, तो ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो सेलिब्रेशन फेस्टिवल आ रहा ना, जब ये सब चीज़ें देख रही हूँ और कुछ समझ रही हूँ ना मैंने कि नहीं यार कुछ तो बात है सच्चा। वो चीज़ें है ना फील होती है भाई, ऐसे बता के एक्सप्रेस नहीं हो पाती है लेकिन वो फील होती है, तो उसको यही देखने में मजा आता है। नहीं शादी से पहले मतलब जब मेरे घर पे थी, जब मुझे ये चीज़ें फील नहीं होती थी कि भगवान होते हैं या नहीं, मुझे तो भगवान का कुछ आइडिया था ही नहीं। जब शादी के बाद से जब मैंने उनका पूजा पाठ करना स्टार्ट करी, उनको मैंने दिल से मानना स्टार्ट करा ना, तो उससे बाद मुझे ऐसा लगा दिल से एक फीलिंग गई, और उनका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है ही सही, तो ऐसा लगा नहीं यार सच में भगवान का भगवान होते हैं इस दुनिया में। इमोशनल लेडी है यार भाई, इमोशनल लेडी। एक बार जिसको नहीं लगता है ना एक बार ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि मैं दिल से बता रही हूँ सच्चाई जो है ना सनातन धर्म की, जो बोलते हैं देखो मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई जो होती है ना वो आंखों में पता चल जाती है। चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।